इंदौर पुलिस ने सिमरोल स्थित आईआईटी परिसर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम चेतन सोनी है, जो मूल रूप से बड़नगर का रहने वाला है और वर्तमान में इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में रहता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें सिलेक्शन नहीं होने से निराश था और इसी बात को लेकर उसने 20 जुलाई को ईमेल कर 15 अगस्त को स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हितिका वासल ने आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। 20/7 को पिछले महीने एक ईमेल के थ्रू एक बॉम्ब थ्रेट का मैसेज आईआईटी के केंद्रीय विद्यालय कैंपस में आया था प्रिंसिपल की आईडी में, जिसमें ईमेल में बताया गया था कि वो बॉम्ब से पूरे कैंपस को 15 अगस्त को उड़ा देंगे। इसको बहुत ही संवेदनशीलता से पुलिस ने लेते हुए वहाँ पे उस दिन BDDS की टीम भी भेजी और पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया। इसके साथ साथ आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार इसमें लगी रही और इसमें जो तथ्य सामने आया है कि एक चेतन सोनी नाम व्यक्ति, जो कि 30 साल का है, जिसने MCA कंप्यूटर्स किया हुआ है और लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था, उसने KV में भी जॉब अप्लाई किया परंतु उसको जॉब नहीं मिली। इसी निराशा से और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने बॉम्ब थ्रेट वहां पर ईमेल किया। जो पकड़ा हुआ आरोपी है वो यहीं से DAVV कॉलेज से उसने MCA कंप्यूटर्स किया हुआ है। 2015 में उसने ये अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था। उसने एक टेक्नीशियन के पद के लिए वहाँ पर अप्लाई किया था, ये पहली बार बताया जा रहा है। पुलिस इसमें फिर भी तहकीकात कर रही है कि ऐसा कभी उसने पहले भी किसी और इंस्टीट्यूशन को क्या कभी बॉम्ब थ्रेट या कुछ ऐसा किया है। अभी उसका मानसिक संतुलन के बारे में हम लोगों ने जितना नॉलेज में आया है वो बिल्कुल ठीक है। ये वैसे बड़नगर का रहने वाला है परंतु अभी काफ़ी समय से ये इंदौर में ही एयरपोर्ट रोड के पास रह रहा था अपने भाई के साथ और लगातार इसमें पुलिस ने काफ़ी टेक्निकल अपडेट्स लेते हुए और काफ़ी टेक्निकल मेहनत करते हुए इस पूरी जो घटना है उसका खुलासा कर पाई। उसको लगा कि 15 अगस्त जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसी का उसने बॉम्ब थ्रेट जो है दिया। ये उसने बेसिकली सबको डराने के लिए और इस इशू को, पूरे इशू को बहुत ज़्यादा फुटेज मिले वो इसके द्वारा इसलिए किया गया था।